बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती किताब से सफ़ा नंबर 76 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पेज नंबर 76 आप लोग निकाल लीजिए। ये एक तरह की एक्टिविटी है बेटा, सरगर्मी है, आपको मज़ा आएगा इसमें। ये देखिए पेज नंबर 76, ठीक है। और ये ऐसी एक्टिविटी है, इसमें ये एक तरह की कहानी है और यहाँ पर कहीं कहीं अल्फाज की जगह तस्वीर इस्तेमाल की गई बेटा, ठीक है। कहीं कहीं पर अल्फाज नहीं लिखे हुए, उनकी जगह क्या है, तस्वीर है। तो हमको उन तस्वीरों के नाम कहना है और कहानी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी तस्वीर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कौन सी चीज़ की तस्वीर है बेटा, हाँ फल दिख रहे हैं ना, लेकिन क्या है ये, दुकान, ठीक है। अब यहाँ देखिए टोकरी, अब ये क्या है, जी हाँ टेबल है ना। बताइए ये क्या है, फल है ना, बहुत सा फल है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या है, सेब, जी हाँ। अब ये देखिए ये कौन है, राजा। अब ये क्या है बेटा, जी हाँ अनानास है ना, इंग्लिश में पाइनएप्पल और उर्दू में अनानास, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, जी हाँ अनार है ना। अब यहाँ देखिए ये कौन है, ये कौन सा फल है, केला, ओके। अब ये फल देखिए कौन सा है, अंगूर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब यहाँ देखिए ये क्या है, मौसम्बी है ना, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, जी हाँ स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, फल है, लेकिन कैसे है बेटा, कटे हुए है ना, फलों को काट के ये फ्रूट प्लेट बना दिए है ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको, अब तस्वीर की जगह हमको लफ्ज़ बोलकर क्या करनी है, कहानी कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अम्मी ने दुकान से फल खरीदे, अम्मी ने दुकान से फल खरीदे, इन्हें उन्हें टोकरी में रखा, उन्हें टोकरी में रखा। उसी वक्त टेबल पर रखे हुए फल आपस में लड़ने लगे, ठीक है, फल आपस में लड़ने लगे। सेब ने कहा मैं तुम्हारा राजा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। इतने में अनानास ने कहा मैं बड़ा हूँ मैं ही बादशाह हूँ। अनार ने चिढ़कर कहा नहीं मैं हूँ तुम्हारा बादशाह। मेरा लाल लाल रंग तो देखो। अब यहाँ देखो केले ने कहा नहीं मैं हूँ बादशाह क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाया जाता हूँ। अंगूर ने कहा मेरी सुनो, तमाम मीठे फलों में मेरा ही मज़ा खट्टा मीठा है। इसलिए मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। मौसम्बी और स्ट्रॉबेरी लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार सुनने के लिए तैयार नहीं था तभी अम्मी वापस आईं। उन्होंने सबको मिलाकर फ्रूट चाट बनाया और घर के तमाम लोगों को
घर के तमाम लोगों ने मज़े ले लेकर खाया। ठीक है, घर के तमाम लोगों ने मज़े ले लेकर खाया। अब इसका क्या, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा बेटा? जी हाँ, क्या सीखा हमने? कि कोई बड़ा कोई छोटा, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। अल्लाह ताला ने जितने भी फल बनाए हैं बेटा, सबका अलग अलग जायका, अलग अलग मज़ा, अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, और सब फल अपनी जगह फ़ायदेमंद है। कोई किसी बात के लिए फ़ायदेमंद है, कोई किसी दूसरी बात के लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी किसी भी फल के ज़रिए हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, और ये सब अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो तमाम फल आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, है ना, लड़ाई कर रहे थे कि मैं अच्छा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, है ना, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैं वैसा हूँ। लेकिन अल्लाह ने सारे फलों को अच्छा बनाया है। ठीक है, तो इतने में और मौसम्बी और स्ट्रॉबेरी क्या कर रहे थे उन लोगों ने? क्या किया उन लोगों ने? जी हाँ, कोशिश करने लगे कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो इतने में क्या हुआ? जी हाँ, अम्मी आ गई, है ना, और उन्होंने क्या किया बेटा? जी हाँ, सारे फ्रूट्स को कट किया, है ना, उनके हिस्से किए, काशे बनाई, है ना, उनके टुकड़े टुकड़े किए, और एक क्या बना दिया? फ्रूट चाट बना दी, है ना, और घर के तमाम लोगों ने मज़े ले लेकर खाए। किसी ने नहीं कहा कि अरे ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, है ना, तमाम फ्रूट एक साथ मिलकर कैसे हो गए? अच्छे। ठीक है, मज़ेदार हो गए, सब लोगों ने मज़े ले लेकर खाए। इसका मतलब है कि कोई भी फ्रूट कोई भी फल बेकार नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, मज़ेदार हैं, जायकेदार हैं। ठीक है, हमें लड़ाई आपस में हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना। हम भी आपस में लड़ते हैं ना, है ना, आप लोग लड़ते हैं ना, अरे मिस इसने ऐसा बोला, मिस मैं अच्छा हूँ, मिस मैं तो ऐसा नहीं हूँ, है ना, ऐसा करते हैं ना आप लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, सारे बच्चे अच्छे हैं। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।